ठीक है। तो हम लोग का दिशान हॉस्पिटल लगभग 2 साल हुआ है सिलीगुड़ी में। तो लास्ट 2 ईयर्स में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सर्जरी, लॉट ऑफ गुड सर्जरीज, लॉट ऑफ गुड केसेस हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड। एंड द ट्रिगर फॉर टुडेज फंक्शन इज रिसेंटली ऑन 19th वी ऑपरेटेड 19th of July we operated on a 102 years old gentleman who was suffering from obstructive hernia successfully, and today the gentleman is being discharged from the hospital hale and fine. First time to our knowledge it has happened that a 102 years old gentleman with so much of comorbidities has been successfully tackled and operated by our surgeon Dr. Bakshi and our team of anesthesia, and postoperatively has been very nicely taken care of by our ICU doctors, by our nurses, by our technicians, by our resident doctors, and all concerned in the services of the hospital. We thought that this good news should be shared with all people, and you being from the press, this sort of news should be given wide publicity so that people don't go to Calcutta, people don't have to go to South or anywhere else for modern medical care, because today modern medical care and successful medical care is available in their doorsteps at Siliguri in Desun Hospital, which is a 300-bedded ultra-modern hospital with all facilities round the clock, be it investigations, be it diagnostic, be it operative, be it anything, 24 hours round the clock Desun Hospital is of service and available for the public of the region. वो शिव मंदिर का रहने वाला है, नाम मिस्टर दीनानाथ राय। वो 102 साल का है, उनका हर्निया था शुरू शुरू में, वो 4 दिन से उसका पेट में दर्द था, पैखाना नहीं कर पा रहा था, पेट फूल गया था, वो दूसरा हॉस्पिटल में चिकित्साहीन था। फिर वहाँ से जब नहीं हो पाया तो उनको अलग जगह भेजा, तो उन्होंने हम लोग का हॉस्पिटल में आया। दोपहर 11:30 बजे में शायद वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, और 2 घंटा के अंदर ही समस्त इन्वेस्टिगेशंस, पूरा डॉक्टर लोग, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, प्री सर्जिकल चेकअप सब करके सक्सेसफुली उसी दिन 2 घंटा के अंदर उसका सर्जरी हुआ, सफल सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद वो 2 दिन ICU में रहा, हमारे ICU डॉक्टर ने उसका पूरा भालू अच्छा करके देखभाल किया, अच्छे से मॉनिटरिंग हुआ। फिर रविवार के दिन उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, और सोमवार को दिन में जब डॉक्टर साहब ने देखा सब ठीक ठाक है करके डिस्चार्ज के लिए कागज तैयारी करने के लिए बोला, और आज अभी हम लोग उनको हॉस्पिटल से विदा दे रहा हूँ छुट्टी होकर सुस्त और संतुष्ट रूप से। सर ये ऑपरेशन कितना बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, जो हम लोग का खाद्य का जो नली होता है, इंटेस्टिन जिसको हम लोग बोलता है, वो मुड़ जाता है, तो जितना दिन देरी होता है वो गैंग्रीन होने का चांस इतना बढ़ जाता है। सो पेट के अंदर में क्या हो रहा है वो ऑपरेशन के बाद ही डॉक्टर साहब लोग को मालूम पड़ा। हाँ, हमारा तो CT MRI करके तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था, लेकिन खुलने के बाद में देखा से पूरा गट वो पूरा प्री गैंग्रीन जैसे हो गया था। फिर हम लोग उसको रैपिड ऑक्सीजन थेरेपी जिसको बोलता है, इन्फ्यूजन करके धीरे 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 गट का वायबिलिटी वापस आया। फिर डॉक्टर लोग ने जो ऑपरेशन करना है किया, करने के बाद में पेशेंट को ICU में शिफ्ट किया। ICU में शिफ्ट करने के बाद में 2 दिन ICU में रहा, जो जो मॉनिटरिंग करना है, जो जो दवाई देना है सब कुछ हुआ। फिर संडे का दिन उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, और मंडे को डॉक्टर साहब ने देख के बोला हाँ अभी पेशेंट ठीक है, घर जा सकता है, इसलिए आज पेशेंट को भाव से हम लोग डिस्चार्ज कर रहा है। इसमें क्या कितना खर्चा पड़ा होगा? 65,000 भी नहीं पड़ा है। आपको जान के आश्चर्य होगा जो हम लोग का जैसा हॉस्पिटल, 102 साल का आदमी जिसका इतना सीरियस है, जिसमें इतना स्पेशलिटी का डॉक्टर एक साथ में काम किया है, सिर्फ 64,800 रुपीस का 600 का बिल हुआ है, 64,600। ऑपरेशन किन्होंने किया? नहीं समझा क्या बोला ऑपरेशन? सर आपका नाम? अड्डे जी, मेरा नाम डॉक्टर JP शर्मा, मैं दिशान हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, और मेरा सर डॉक्टर बख्शी बैठा हुआ है, दिवाकर बख्शी, जिन्होंने ये अस्त्रोपचार किया। सर एक आपका ले लेता हूँ।